देखा फेसबुक, आज का डेट और डे मेंशन करिए। ओके, क्या करना है आपको? आज का डेट और डे मेंशन करना है, ठीक है? और आज हम लोग कौन सा क्वेश्चन करेंगे? तो क्वेश्चन नंबर टू लिखित, ठीक है? लिखित क्वेश्चन करेंगे ना हम लोग। मौखिक तो हम लोग सभी ने कर लिया ना नोटबुक में, तो आज हम लोग लिखित क्वेश्चन करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर टू, ठीक है? ठीक है स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं राइटिंग। निम्न लिखित प्रश्नों के दो। ओके, कौन सा क्वेश्चन का है? लिखित, हमने मौखिक का किया है ना, आज लिखित का करना है। ओके, को है लड़की ने बच्चों को क्या बताया? लड़की ने बच्चों को क्या बताया? क्वेश्चन मार्क। अब इसका उत्तर लिखिए। लड़की ने बच्चों को बताया कि लड़की ने बच्चों को बताया कि उसे पेड़ पर है क्या लगता है उसके पे? जिसमें मैंने अंडरलाइनिंग किया है क्या
सबके कंप्लीट हो गए हैं क्वेश्चन नंबर वन, जिसमें मैंने अंडरलाइन किया है वही आपका आंसर है। ओके, क्योंकि इसका जो है वो तो आपके टेक्सटबुक में ऑलरेडी, ठीक है। चलिए राइट करिए। इसका उत्तर है छोटा लड़का चलिए उत्तर लिखिए उसका। छोटा लड़का पेड़ पर इस लिए चढ़ गया होगा क्यों?
फी व बच्चों की मन से भूलते था मैं वो गाना वो पेट पर छोटा लड़का क्यों चढ़ गया बताइए आप सभी लोग, क्योंकि बच्चों के मन में क्या था, भूत का भय था ना, कि उस पेड़ के ऊपर क्या रहता है, भूत रहता है। ओके, क्या रहता है, भूत रहता है। तो उसके मन का भय बनाने के लिए छोटा सा बालक, जो छोटा सा लड़का था, वो किससे चढ़ गया, इस बार पेड़ के ऊपर चढ़ गया, ताकि सारे बच्चों के मन से जो भूत का डर है वो निकल जाए। ओके, तो छोटा सा बालक ने क्या दिखाया, अपनी बहादुरी, अपना हिम्मत और साहस दिखाते हुए पेड़ के ऊपर चढ़ा। अगर वो भी डर गया होता तो शायद बच्चों के मन से भूत का भय नहीं खत्म हुआ होता, है ना। चलिए, बहुत खुश है आपका, हम डर को कैसे जीत सकते हैं, हम डर को कैसे जीत सकते हैं, कैसे जीत सकते हैं डर को, उसका उत्तर है हम डर को साहस हम डर को कैसे जीत सकते हैं, साहस से जीत सकते हैं, किसे जीत सकते हैं हम, साहस से कि तो चलिए कंप्लीट करिए आप सभी लोग अपना अपना वर्क। ओके स्टूडेंट, आई होप तो सबको ब्लैक बोर्ड नीट एंड क्लीन दिख रहा होगा, है ना। जल्दी से कंप्लीट करिए, नहीं टू नंबर नोटबुक में नहीं लिखना है, टेक्स्ट बुक में लिखना है। ओके, ये आपकी जो टेक्स्ट बुक है, हिंदी की टेक्स्ट बुक है, पेज नंबर 111। ओके, पेज नंबर कौन सा बेटा, पेज नंबर 111।
पेज नंबर 100 11 के उससे देखिए यहाँ पर ठीक है। ओके कंप्लीट योर वर्क यस या नो
ओके डन। श्लोक के दिव्य कंप्लीट कर लीजिए।
स्टूडेंट्स आई होप उसके वर्क कंप्लीट हो गए होंगे, है ना? ओके complete your work. Yes, or no? Yes, okay. तो स्टूडेंट्स से अभी आपका सेकेंड लेक्चर शुरू होने वाला है. कौन सा लेक्चर शुरू होने वाला है? सेकेंड लेक्चर. हाँ, तो अब आपको क्या करना है? अब आपको क्या करना है? अभी आपको क्या करना है? अभी आपका ब्रेक होगा. ओके, क्या होगा अभी आपका? अभी आपका 2 मिनट का ब्रेक रहेगा बेटा. उसके बाद आपको सेकेंड लेक्चर की आईडी लिंक में ज्वाइन होना है. ओके, तो जिसका नहीं हुआ है वो जल्दी से कंप्लीट कर ले. सबका कंप्लीट हो गया ना? आपका होमवर्क रहेगा केमिस्ट्री द राइटिंग 2 नंबर नोटबुक. जो आपने क्लास वर्क में लिखा है वही आपका होमवर्क रहेगा. ओके, डन. अभी आपका ब्रेक है बेटा. ओके, बाय एवरीवन, टेक केयर.